मैं इस संदर्भ में एक विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूं। नहीं, सबसे पहले उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचे, जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसका एक, सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या नौ व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसकी संस्कृति, जिसके पहाड़ी या नीचे रहने वाले लोग इस संस्कृति से अवगत नहीं थे कुछ समय पहले तक। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है, तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूंगा। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके, इसलिए 34-34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। मुझे लगता है ये सही बात होगी हमारी, इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए। कुल मिला के अब कह रहे हैं कि जब विधायकों ने साथ छोड़ दिया तो जनता कैसे विश्वास करेगी? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, एक साल में ही विधायक छोड़ करके चले गए। आप कल्पना करें जिस तरह अभी काउंटिंग शुरू हुई है और विपक्ष के नेता काउंटिंग हॉल के पास आकर बार बार काउंटिंग ऑफिसरों को धमका रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अभी आपने देख और आपने अभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार आगे बोल रहे हैं कि वोट क्यों डालने दिया। अगर आप वोट ही नहीं डालने देंगे तो कैसे लोकतंत्र और राज्यसभा में चुनावों में वोटों की गिनती कैसे शुरू होगी? कितनी देर इन्होंने वोटों की गिनती को रोकी है? मैं भारतीय जनता पार्टी की जो हिमाचल इकाई के जो नेता है उनको कहना चाहूंगा, सब्र रखिए और इतना ज्यादा लोगों को दबाव में मत डालिए। और जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है, वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो लोग गए हैं उनको, वो उनके परिवार के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और वो अपने परिवार से जरूर संपर्क करें और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लोकतंत्र में मत, पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार की गुंडागर्दी हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी।